नमस्कार साधना टीवी से मैं हूं राजा विजयपाल। मैं इस समय लहार जनपद में मौजूद हूं, जहां पर विकास कार्यों को लेकर हमने एक बड़ी समीक्षा की है, जहां हमारे साथ आज सीधी बात लहार जनपद पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला उत्तम सिंह राजावत के साथ खास बातचीत होगी। और हमारे साथ उत्तम सिंह राजावत जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि उन विकास कार्यों को देखते हुए उन्होंने क्या पाया समीक्षा के साथ मेरे साथ। उत्तम सिंह जी, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद उत्तम सिंह जी। जिस प्रकार से देखा जाए तो लहार जनपद पंचायत के अंतर्गत कितनी लागत से विकास कार्य हो रहे हैं, कितनी आंगनबाड़ियाँ आंगनबाड़ी बनाई जा रही है, कितनी सीसी निर्माण कार्य हुए हैं, तस्वों को विस्तार से बताएं। लहार जनपद पंचायत क्षेत्र में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य कराए गए। सीसी रोड 15 करोड़ के लगभग का कराया गया, नाली सहित सीसी रोड 16 करोड़ रुपए के लगभग कराया गया, आंगनबाड़ी 50 करोड़ रुपए के लगभग बनवाई गई, समुदाय भवन 12 लाख रुपए के करीब बनवाई गई, सुदूर संपर्क सड़क का भी निर्माण कराया गया जो गांव गांव के लिए जोड़ा गया, शांति धाम का भी निर्माण कार्य हर पंचायत में कराया गया, खेल मैदानों का भी करीब करीब आधी पंचायतों में खेल मैदानों का निर्माण कार्य हुआ और पंचायत भवन भी बनाए गए। तो इस तरह से जो है बराबर निर्माण कार्य अभी चल रहे हैं जो कि गतिशील है और आगे हमारी अपेक्षा है कि सभी पंचायतों में ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कार्यों को अपने कार्यकाल में करा सकें। और वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन इनको भी करीब करीब जो है हर पंचायत में इनको उपलब्ध कराई जा रही है। और उत्तम सिंह जी, जैसा कि माना जाता है कि आपके यहाँ लहार विधायक गोविंद सिंह जी पिछले 25 सालों से यहाँ है, यहाँ के लोकप्रिय विधायक माने जाते हैं, और क्या माना जाए कि उन्होंने जनपद पंचायत को विकास कार्य को देखते हुए विधायक निधि दी होगी जनता के लिए, क्या कहेंगे? हमारे विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जी विकास के नाम से जाने जाते हैं और मध्य प्रदेश में उनको मतलब विधायक के उसमें सर्वश्रेष्ठ विधायकों में उनको सम्मानित किया गया कल विधानसभा में और बराबर वो विकास के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं और विकास के नाम से वो जाने जाते हैं। लहार विधानसभा क्षेत्र में जितने विकास कार्य हुए हैं वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुए और सड़कों का जाल तो ऐसे फैला दिया है कि कोई भी गांव बिना सड़क से जुड़ा हुआ हमारी जानकारी में तो है नहीं कोई गांव। और बराबर जो है उनका प्रयास रहता है कि कोई भी विकास से वंचित ना रहे कोई भी पंचायत, तो हर गांव को उन्होंने जो है अपने विकास में जो है जोड़ के रखा। आपको जानकारी देना चाहेंगे, लहार विधायक गोविंद सिंह जी ने जहां तक जनता से आश्वासन दिया है कि जून तक लहार विधानसभा के ऐसे कोई भी गांव नहीं होगा जहां सड़क नहीं पहुंच रही होगी, तो आपकी बातों से साफ जाहिर होता है कि लगातार सड़कों पर जाल बिछाया जा रहा है और हर गाँव तक सड़क से लगातार जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री सड़कें भी उनके प्रयास से जो है हर गांव के को जोड़ने के लिए योजना बनाई गई है और अभी उन्होंने फिर जो है 8-10 सड़कों का जो है पूरा प्रधानमंत्री सड़कों से जुड़वाने के लिए प्रस्ताव भेजा था और 6-7 सड़कों का की मंजूरी भी मिल चुकी है और बाईपास के जो नगर से बाईपास जिनमें निकलना था तो मेहोना और लहार और दबो तीनों नगरों में जो है बाईपास की मंजूरी मिल चुकी है और वो आगे भविष्य में जो
जो रोड का निर्माण कार्य शुरू होगा उसके साथ में बाईपास का भी निर्माण कार्य शुरू होगा। आपके कार्यकाल को देखते हुए पिछले कार्यकाल की अपेक्षा विकास कार्य को गति दिलाते हैं, और क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे लाल की जनता? भाई इतना अच्छा नेतृत्व हमारी लाहौर की जनता को मिल नहीं सकता है, जो कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी 6 बार विधायक चुने गए हैं केवल अपने कामों की वजह से। काम ही उनका जो है 24 घंटे जो है काम के ही प्रति उनकी जो है रुचि रहती है। हम लोगों को बराबर प्रेरित करते हैं कि मतलब न तो खुद खाली बैठते हैं ना हम लोगों को जो है खाली बैठने देते हैं। उनकी हमेशा अपेक्षा ये रहती है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपन विकास के काम करें। जनता ने हमको चुना है और जनता के ही उसमें अपन पूरा अपना समय को दें, और जिससे जो है जनता को कोई परेशानी महसूस न हो। उसी का कारण है कि 6 बार जो है वो विधायक चुन के आए हैं, और 7वीं बार भी वो विधायक बहुत भारी मतों से चुने जाएंगे। उनके जीतने का राज भी यही माना जाए? उनका जीतने का राज ही उनका विकास है। विकास की वजह से ही वो हर क्षेत्र में, चाहे तो वो स्वास्थ्य विभाग उसमें ले लें, चिकित्सालय में अगर डॉक्टर नहीं है डॉक्टरों की नियुक्ति की भी कमी को जो है पूरी करने के लिए वो विधानसभा तक में प्रश्न लगाते हैं। कॉलेजों में अगर यहाँ कॉलेज 3-4 कॉलेज हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में, तो कॉलेजों में स्टाफ नहीं था तो उन्होंने पहले तो विधानसभा में लगाया, तो उससे भी सही वो नहीं मिल पाया उत्तर, तो उन्होंने फिर कोर्ट में लगवाया उच्च न्यायालय के द्वारा, तब इस क्या नाम को शिक्षकों की पूर्ति हो पाई। तो वो तो हमेशा हर विभाग चारों तरफ उनका जो है ध्यान रहता है, ये नहीं है कि केवल एक ही तरफ, चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो चाहे पेयजल हो चाहे रोड हो, हर तरफ उनका जो है विकास के प्रति उनका 24 घंटे जो है विकास के ही नाम से जाने जाते हैं। विकास के नाम से जाने जाते हैं। ये आवाज थी लाहौर जनपद पंचायत के विधायक प्रतिनिधि उत्तम सिंह राजावत की, आपकी अदालत के साथ साथ।